ਤਾਰ ਅਸਰ जिस तरह से ये मिट्टी भी तारों में फंस चुका था लेपर्ड, और अभी इसको खोला जा रहा है और ਤਾਰ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
जिस तरह से ये मिट्टी भी तारों में फंस चुका था लेपर और अभी इसको खोला जा रहा है और बाइडे जा रहा है मैं देशराज भगत सरपंच जड पंचायत जड से बोलता हूँ। ऐसा है कि अभी 7:45 मुझे एक सूचना मिली कि गांव में पंचायत में कहीं तेंदुआ घुसा है, तो यहां पर मौके पर देखा कि वो कहीं तारों के बीच में फंसा हुआ था। तो मौके पर हमने पुलिस को और इसके जो वाइल्ड लाइफ एनिमल के DFO साहब हैं उनको कॉन्टैक्ट किया, तो वो भी सारी टीम पुलिस भी मौके पर पहुँच गई क्योंकि बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और वन विभाग की टीम भी पहुँच गई है। उन्होंने इसको वो किया है, कब्जे में ले लिया है और आगे हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इस इलाके में थोड़ी सी गश्त रखें। इसकी थोड़ी सी जानकारी जो जैसे मिली है कि और भी हो सकते हैं, जैसे एक तेंदुआ मिला है और भी हो सकते हैं और पंचायत का जानो माल का नुकसान हो सकता है, तो हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि इस इलाके को थोड़ा सा छानबीन करके देखा जाए ताकि आइंदा ये जो बड़ा हादसा अभी टला है इसके बाद कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए, कहीं जानी माल का पंचायत के लोगों को नुकसान हो। देखो ऐसा है कि सुनने में कुछ आता था, कुछ लोगों ने कई बार देखा है, कुछ लोग कहते हैं आसपास के कि हमने देखा है, लेकिन हम तब तक यकीन नहीं मानते थे। हम तो ऐसा ही समझते थे कि शायद लोगों ने कोई और कोई चीज़ देखी होगी, तो लेकिन आज तो ये प्रूफ हो गया कि ये ऐसे लेपर्ड्स जहाँ पर हैं तेंदुए हैं और ये कहीं भी जानी माल का नुकसान कर सकते हैं जानमाल। ਯਾਰ ਮਾਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮਾਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
जिस तरह से ये मिट्टी भी तारों में फंस चुका था लेपर और अभी इसको खोला जा रहा है और बाइडे जा रहा है ये रहा ये रहा कौन से तार ही कोई तार तार असर जिस तरह से ये मिट्टी भी तारों में फंस चुका था लेपर और अभी इसको खोला जा रहा है।